लेके आया है क्लिप। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज के व्लॉग में हम क्या करेंगे, सो आज हम करेंगे शूट हमारा रैंडम दिन। आज मैंने मेरे बालों को डिफरेंट ढंग से स्टाइल किया है, जो मुझे बहुत मज़ेदार नहीं लग रहे, ठीक लग रहे हैं। और जो मेरी फॉरएवर 21 की लेफ्ट ओवर स्टफ था जो मैंने ख़रीदा था, वो आ चुका है। और उनमें से एक ड्रेस मैंने पहन के देखी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। वैसे वो समर्स के लिए है, पर उसको पहनने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक दो पिक्चर्स इंस्टाग्राम के लिए क्लिक कर लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसलिए मैं पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बैठ गई। जब मैं पिक्चर्स क्लिक कर रही थी तो मैंने सोचा, एक तो मैं बहुत सोचती हूँ यार, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग भी कर ही लेते हैं। वैसे आज मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल प्लान नहीं था, क्योंकि आज मुझे एक डिलिशियस मील की वीडियो शूट करनी है। पर देन मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेते हैं, देखा देखा जाएगा कि फिनिश होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो कहीं पर भी इसको घुसा दिया जाएगा। सो या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो मेरी ड्रेस है वो कैसी लग रही है। आई एम नॉट श्योर अगर आप इस किस्म की ड्रेसेस को पसंद करते हैं, पर मुझे प्यारी लगी वैसे, लाइक आई होप आप देख पाएंगे। ड्रेस कुछ इस तरह की दिखती है। दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 3:30 बज चुके हैं, और जो मुझे मील की वीडियो बनानी है वो डिनर्स हैं। सो अब मुझे उसकी प्रेपरेशन करनी शुरू करनी पड़ेगी। वैसे तो मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा क्लीन ही है, पर फिर भी थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिल पाए वीडियो शूट करने के लिए और किचन क्लीन हो। किचन अगर क्लीन नहीं होती है तो आपका वैसे ही कुक करने के लिए मन नहीं करता। अगर आप कुक कर रहे हो और आपको वीडियो भी शूट करनी है तो काम डबल हो जाता है। इसीलिए मुझे कुकिंग वीडियोस बहुत मज़ेदार नहीं लगती हैं, पर आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर करना पड़ता है। और यस, ये काम करेंगे अब। हेलो दोस्तों, सो दिस इज़ एडिटिंग मी। रात हो गई, आपको पता होगा। आज मैंने व्लॉग बनाना शुरू तो कर लिया था पर मैंने फिनिश नहीं किया, और जो मुझे मेरी मील की वीडियो बनानी थी वो भी आज नहीं बन पाई, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स मुझ तक पहुंच नहीं पाई। सो वो सारा दिन आज मेरा उस काम में चला गया कि मुझे वो वीडियो शूट करनी है, उसकी प्रेपरेशन में, पर सामान मेरे तक नहीं पहुँचा तो मैं वो वीडियो नहीं कर पाई। सो आज का दिन मेरा मेरे काम के हिसाब से सही नहीं गया। ओके, इस बात को छोड़ते हैं। कुछ दिन पहले हम गए थे नायग्रा फॉल, उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जल्दी से देख लें। ओके दोस्तों, तो हम लोग पहुँच गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने लिए। आवल लेके आंदी ही मैं इना ते रेट लिखा पंजा दा आवला पंजा दा वड्डी है वे ऑन नहीं हो रहा दो वो वापस आ गए। ओके दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं नायग्रा फॉल, और यहाँ पे हमें एक दुकान मिली है जेदा बंदा जानिया पहचानिया है। बंदा आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं। किधर लाए टमाटर? टमाटर ले लो जिन्ने लेने तुसी, ते दसो लेने किन्ने आ। टमाटर एक त्यार ले लेने आपा। बिकेज आई लव आ वड्डा लेने सब तो वन दिस। यहाँ पे अच्छे फ्रूट भी हैं, गोभी पंजा दी एक। तो यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं है, जितनी भी आपको सब्जी चाहिए आप उठा सकते हैं। एंड ओके, तो मैं लेने वाली हूँ नाशपाती क्योंकि बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और ये वाले ग्रेप टमेटोस। और यस यस, ठंड वाले दिन का नायग्रा बहु ओवरली किश्ती जाना, ठंडो ठंड होन ली हुन देख हुन किदे पे जाया ओ गए रे लोकी किन्ने के पेह दे माई दे लाल च ना दम नहीं ओ इन्ने बड़े गए आ ओना दे दम नहीं आ ओना दे शायद हो हमें ठठू ठर करना। ओके दोस्तों, तो आज हमारा नायग्रा का अगला ट्रिप आ गया। वैसे आज कोई प्लान नहीं था हमारा, पर थोड़ा सनी दिन था तो हमारे पास और कोई चीज नहीं है करने के लिए नायग्रा के बिना। नायग्रा आगे कोटियां काटियां पा के, एंड हिम्मत भी आ, हिम्मत दे बापू जी भी आ। टेस्ट डैडी, व्हाट टू से, व्हाट टू से, कोई ऐड करो, कोई अपनी ना सियानी गल दसो, किसी करो मोन किदा करन दे दवादा मास्क पा के, रियल पुच्ची नहीं कर दे।
Take my hand and hold it tight. हिम्मत तो डैडी खेलते पे पकड़न पकड़ाई छुजबाई टैग और मैंनु बहुत ज्यादा भूख लगी है. Don't stop looking in my eyes. ओके दोस्तों, क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी. अगर आप घर में रहो तो फिर आप भूखे रह सकते हैं, लाइक अपनी हंगर को कंट्रोल कर सकते हैं. पर अगर आप बाहर जाएं तो आपको खाना ही पड़ता है. और अब मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरा मन कर रहा है चाय पी. और बाहर खाने से भी डर लगता है, पर अब क्या करेंगे, खाएंगे तो सही कुछ. एंड हम लोग आए हैं हस्बैंड की फ्रेंड के साथ और उनकी जो बेटी है वो हिम्मत से कभी कभी गुस्सा हो जाती है. अब फिलहाल के लिए वो थोड़ा सा गुस्सा है और उसने कहा है कि हिम्मत मेरे से दूर रहे अचानक से. सो हिम्मत उससे 5 मिनट दूर रह रहा है, उसके बाद वो दोस्त बन जाएंगे तो हम उस तरफ जाएंगे. आज हम ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहते क्योंकि ठंड है, फिर वो पानी ऊपर गिरता है और फिर सारा कुछ गिल्ला हो जाता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई डोंट नो आप देख पा रहे होंगे या नहीं, मेरे पीछे कुछ लोग हैं वो चाय पी रहे हैं. यार वो पीछे वाले लोग की चाय पीने, मैं अभी चाय पीनी है. टिम हॉर्टन्स गाइज, आपको भी ऐसे लगता है जब किसी का खाना देख के भूख लग जाती है और किसी की चाय किसी की चाय देख के चाय पीने का मन कर जाता है. चावल अपा ही वेखन दिया उन्होंने दोस्त बना ला उनका भरा चाय दे दो कट दे बन गए दोस्त. You guys are friends now? हजे नहीं बने. नहीं हूँ नहीं बनना कहनी मैं फ्रेंड का. और फिर लड़ाई हो गई, 2 मिनट की दोस्ती हुई बेचारियों की. ओके ये बहुत सारा प्यारा ट्री मिला है हमें और हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज़ खींची हैं. हिम्मत पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया था मुझसे, उसने मेरी फ़ोटोज़ बहुत मुश्किल से क्लिक की हैं. पर या कुछ फोटोज़ तो मुझे मिलेंगी. Look at this beautiful. डैडी की हो गया तू तो सीरियस ही लगे. My head's so messed up, but I can't fold in no fear. Got sights set right up on these bands, and I'm gonna use the wipe tears. 5 years to stick into the plans I made when I was a jit. Told moms I can't go live no normal life, won't stop till I'm rich. Said, where were you when I was down bad? And the money coming to me so fast. Left the hoe, she a big dub, straightforward with it, I don't go back. Everybody living better, I still remember times when I'm broke down. Tied it on this come up, I gotta get a back. Okay, yeah, big wood oven pizza. एक बार लाइन अप देख लो. हेलो दोस्तों, मैं कर रही हूँ वीडियो को एडिट. मैं काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 10 बज रहे हैं. हिम्मत अभी सोया नहीं है, टीवी देख रहा है. ओह देयर ही इज पॉपकॉर्न एंड पॉपकॉर्न खा रहा है गलत टाइम पे. और हस्बैंड सोने के लिए जा चुके हैं और हस्बैंड कर रहे हैं मेडिटेट सोने से पहले वाला. अभी मुझे किचन को क्लीन करना है एंड लंच बॉक्सेस बनाने हैं. और मेरा मन है कि मैं ये वीडियो को एडिट करके एक बार सेव करना शुरू कर दूँ, तब मैं बाकी काम करूँ ताकि ये वीडियो लाइव चली जाए. कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करें. इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगी. वो बातें होने वाली हैं हाउ टू बूस्ट योर हैप्पीनेस. दोस्तों, जब आप हेल्दी नहीं होते हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई बुरी चीज़ें चल रही हैं तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अदरवाइज़ आप गुम हो जाएंगे उस डार्कनेस में या उस दुख में और आपको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इससे बाहर आने के लिए और अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत ही आसान कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं. सबसे पहली और सबसे प्यारी है कि वॉक करना. जब आप वॉक करते हैं माइंडफुलनेस के साथ फील करके,
अपनी पांचों सेंसेस को इंजॉय करके वो अपने आप में ही एक मेडिटेशन है। बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव हूँ या नेगेटिव नहीं हूँ लाइक बहुत लो हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ बाहर की एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझ में डिफरेंट किस्म की एनर्जी आ जाती है। सो वॉक करना बहुत ज़्यादा प्यारा एंड इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है, कितना सस्ता है। आप आराम से वॉक करने के लिए जा सकते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने अंदर तक फील करें। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत दोस्तों को। मेडिटेशन करना ये नहीं है कि आँखों को बंद करके अपने ध्यान को केंद्रित करके सिर्फ ओम का चैंट ही करना है। मेडिटेट करना ये भी है कि अपने आप से पूछना कि मैं कौन हूँ मैं और मेरे ज़िंदगी में पर्पज़ क्या है। अगर आप अपने आप को ऐसी क्वेश्चनिंग करते हैं वो भी एक किस्म की मेडिटेशन है। दैट मीन आप अपने साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने कॉन्शियस को जगा रहे हैं, वो भी एक किस्म की मेडिटेशन ही है। सो अगर आप उससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो YouTube पे गाइडेड मेडिटेशन सर्च करें। एक स्पिरिचुअल टीचर बोलेगा कि ये चीज़ें करें, उनको फॉलो करें। पहले ही दिन आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। उनकी बातें सुनते जाएं, जो भी बोलते जाएंगे फॉलो करते जाएं और हर दिन एटलीस्ट 5 मिनट्स इसको देंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे। आप मुझ में देख सकते हैं डिफरेंस। और एक बहुत ही अच्छी बात मैंने किसी बुक में पढ़ी थी शायद, कि जब हम टीवी देखते हैं तो एक्चुअल में टीवी देखें। बहुत बार ऐसे होता है कि टीवी चल रहा है, हमारा उसमें फोकस ही नहीं होता, हम कुछ और सोच रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे क्या चल रहा है। लाइक इमेजिन कीजिए कि आपका टीवी चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि डिनर में क्या कुक करना है और आपको पता ही नहीं कि शो में कौन से डायलॉग चल रहे हैं, क्या हो रहा है। फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें कि टीवी हमारा एक एंटरटेनमेंट है, फिर भी हम टीवी पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर हम उस पे फोकस नहीं कर पाते तो जो बोरिंग एंड ज़रूरी काम है ज़िंदगी के उसको कैसे फोकस कर पाएंगे। सो अगर आप 1 घंटा टीवी देखते हैं तो फोकस करके देखें, पूरा ऑब्जर्व करें कि चल क्या रहा है। आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फोकस होने की प्रैक्टिस करें टीवी पे। और इसी तरह दूसरी बात है लिसन। बहुत बार होता है हमें कोई बंदा बात बता रहा है, हमारे बस कानों से ऊपर से सर से ऊपर से जा रही है। जब आप लिसन करते हैं तो बहुत अच्छी तरह लिसन करें। लिसन करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका कोई दोस्त है जो फालतू की बातें करता रहता है, उसको लिसन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को लिसन कर रहे हैं तो प्रेजेंट होकर लिसन करें और उनमें से अच्छी चीज़ें जो आपकी हेल्प कर सकती हैं उनको अपनाएं। जो आपको लगता है फालतू उसको जाने। एक और चीज़ कर सकते हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो भी किस्म की मेडिटेशन ही है। ब्रीदिंग इन एंड आउट को काउंट करना या उस पर कॉन्सेंट्रेट करना और अपने दिमाग को शांत करना। अगर आप ये चीज़ 2 मिनट भी कर सकते हैं, उसी से आपको बहुत पीसफुल एंड बहुत हैप्पी एंड बूस्ट ऑफ एनर्जी फील होगी। सो ये है मेरी नन्नी मनी सी टिप्स वीडियो के एंड में। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास कोई अच्छी सी टिप है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आई होप आपने ये व्लॉग को इन्जॉय किया था। बहुत छोटा सा क्विक सा व्लॉग है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और हिम्मत मेरे लिए ये लेके आया है क्लिप।